सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इसमें भी दिया है कि ए बी हमारा सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और हमारा ई एफ जो परपेंडिकुलर है सी डी के, देखिए जो परपेंडिकुलर बेसिकली दिया है, तो हमें बताना वही हमें सारा एंगल निकालना है। तो चलिए बहुत आसान है, तो हमें क्या दिया है कि हमारा फिगर कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और इसमें दिया है इसे हमने ई बोला है, यह हमारा इस तरह रहता है, मतलब बताइए इस तरह रहता है 90 डिग्री, ठीक है, यह हमारा एफ है और यह हमारा कितना है यह जी है, और यह ए बी हमारी एक लाइन है और एक लाइन है सी डी। तो बहुत ही आसान है। और एक चीज़ हमें और दिया है कि ये वाला एंगल जो है बेसिकली नहीं, हाँ ठीक है, जी ई डी मतलब ये टोटल एंगल कितना दिया बता है बताइए 126 दिया है। तो भैया ई वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। हाँ बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालेंगे, मान लीजिए हम मानते हैं इसको एक्स, अभी तक एक्स मानते हैं, अच्छा ये वाला हमारा कितना है 126 है, तो ये भी 126 होगा कि नहीं, क्यों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये वाला मान लीजिए एक्स एंगल है तो ये भी तो हमारा एक्स है, जब हमारे दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो भैया ये हमारा 126 पूरा है तो ये भी पूरा हमारा 126 होगा। तो अच्छा हम नहीं लिख सकते कि ए जी ई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 126 आ गया, कैसे आया, देखिए मैंने बताया कि दोनों पैरेलल लाइन है तो कुल मिला जुला कर काम हो गया हमारा आसान, बस 126 आ गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारा टोटल कितना आ गया बताइए, हमारा जो देखिए मैं फिर से, ये हमारा 90 है, यप यप ई डी 90 है तो ये भी तो 90 होगा, क्यों, क्योंकि एक लाइन है ये भी 90 होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, 126 है बेसिकली, तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक लाइन है, लाइन है तो चलिए एक लाइन है तो हमारा एक्स है और ये 126 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 180 में से 126 माइनस कर दें तो हमारा 54 आ जाएगा, तो एक्स हमने इसको माना है, ठीक है, हमारा ये 54 आ जाएगा, हाँ आ गया, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, हाँ ये भी 90 भैया, जब ई 90 है ऊपर भी तो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर लाइन है, अच्छा एक हमारा एंगल 54 आ गया और एक हमारा 90 आ गया और एक्स हमें बताना है, अच्छा ये बताइए ट्रेंगल हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं ट्रेंगल में 180 डिग्री होता है, हाँ बिल्कुल है होता है, तब बस 180 इक्वल कर दीजिए एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए, बस यही हमसे पूछा था, समझ में आया, बहुत ही आसान है, कैसे, चलिए 180 माइनस 4 9 पर 14 6 144 हमारा यहाँ पे 7 36 हमारे देखिए आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 36 आ गई। तो कुल मिला जुला कर हमें यही बताना है क्या कर रहे हैं बताइए, हाँ बहुत आसान, सबसे पहले देख रहे हैं भैया जो जो दिया उसे कॉपी कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमारा ए वाला 90 होगा ही होगा और इसे हम तो देख ही लेंगे भैया ये वाला एक्स डिग्री है तो ये वाला भी एक्स होगा, तो बस इसके थ्रू करेंगे आसान, एक बार आपने ट्राई करिएगा आ जाएगा, ठीक है।